नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के इस अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। लोकसभा चुनावों के लिए हमीरपुर में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस की रैली पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने किया पलटवार। हिमाचल प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनावों में चारों सीटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ने भी मैदान में उतारे अपने उम्मीदवार। हमीरपुर के बाल स्कूल खेल मैदान में खेल विभाग की कारगुजारी के चलते खिलाड़ियों की सुबह शाम की प्रैक्टिस हो रही बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कांग्रेस मुक्त कर दिया है और लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस भी गांधी मुक्त हो जाएगी, कहा सीएम जयराम ठाकुर ने।